नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2012 का सवाल है इट सेज द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स वन सिक्सटींथ ऑफ इट्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ हमें आर दिया हुआ है विल बी और चार ऑप्शन है फाइव आर फिफ्टीन आर थ्री आर एंड फोर आर बड़ा सिंपल सवाल है इसमें हमें बट यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती बहुत ज़्यादा लाइकली जो करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा पहले मैं इसका करेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ फिर मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं वो रॉन्ग आंसर क्यों नहीं करना है अपने को इट सिचुएशन right. uh, कुछ ऐसी है कि ये अपना प्लानट अर्थ एक बॉडी है जिसका यहाँ पे वेट W है सो so, उस वेट W को हम कह है सकते हैं विल बी इक्वल टू एम जी रेडियस इसका अर्थ का आर हम इसको एक एच हाइट पे लेके गए एच हाइट पे जाके इसका वेट हो, uh, uh, हो गया W डैश हो गया W बाई सिक्सटीन यानी कि एम जी बाय सिक्सटीन तो यहाँ पे G डैश जो है वो वन बाय सिक्सटीन हो गया ना यहाँ पे uh, जो हमें फॉमूला यूज़ करना है वेरिएशन ऑफ अर्थ के uh, राइट वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट के दो फॉर्मूले होते हैं एक फॉमूला होता है जिसको हम कहते हैं जी डैश विल बी इक्वल टू जी वन माइनस एच बाई सी टू एच बाई आर और दूसरा फार्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय वन प्लस एच बाय आर स्क्वायर नाउ जैसे हम क्लासरूम में बात करते हैं इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कि ये आपका असली फॉर्मूला है और ये वाला आपका नकली नहीं सॉरी ये वाला आपका असली फॉमूला है और ये अपना देसी घी है या असली घी है ये वाला वनस्पति घी या डालडा है इसको और सिर्फ और सिर्फ तब हम यूज़ करते हैं जब आपका एच जो है वो लेस देन आर है और यानी तो एच की वैल्यू जो है वो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज में है अगर 500 किलोमीटर या 400 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ये वाला फार्मूला ना यूज़ करके हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो अभी हम दोनों फार्मूला यूज़ करके आंसर निकालते हैं एंड देन विल ऑल्सो लुक एट विच इज़ द राइट आंसर तो सबसे पहले असली वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके जी डैश की वैल्यू हो गई वन बाय सिक्सटीन तो उसको हम लिख सकते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू जी बाय सिक्सटीन देट विल बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर विच मींस विच एम्प्लाइज वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये आ गया वन प्लस एच बाय आर इज इक्वल टू फोर विच एम्प्लायज़ अगर हम इसको दा ले जाएं वन uh, को दे ले जाएं, यानी कि एच बाई आर इज इक्वल टू थ्री विच एम्प्लाईज एच इज ईक्ल टू थ्री आर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एच इज इक्वल टू थ्री आर विल बी द राइट आंसर नाउ इसका स्टूडेंट्स गलत आंसर कैसे निकालते हैं अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया सो so अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जी वन माइनस टू एच बाई आर इज इक्वल टू जी बाय सिक्सटीन

थर्टी टू आर नाउ इसको अगर हम नोटिस करें यह आपका गलत सोल्यूशन है बिकॉज यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करके एच की वैल्यू लगभग ये आर बाय टू के आसपास आ रही है जो कि आपका थर्टी टू हंड्रेड अगर सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये थर्टी टू हंड्रेड किलोमीटर हो गया सो so ये वाला फॉमूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होएगा दैट मीन्स एच इज़ इकल टू थ्री आर विल बी द राइट आंसर